तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुबराज ग्रुप में। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो हमारे साथ है सुबराज म्यूजिक बैंड के ओनर अजीत सर, और साथ में आप देख सकते हो यहां पर हमारे धूम स्टार बैंड के ओनर अशोक भाई है। तो फिलहाल दोस्तों हम आए हैं, अजीत सर के पास टाइम नहीं था लेकिन अजीत सर ने हमने टाइम दिया, इसलिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और अभी अजीत सर आपके साथ थोड़ी बात करेंगे क्योंकि दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज हमारे देश में पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सर अभी आपके साथ बात करेंगे। सबको सुबराज ग्रुप में बहुत बहुत धन्यवाद, और सुबराज ग्रुप की तरफ से प्रजाक्षक दिन का सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे अशोक भाई की तरफ से भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर मैं आपको पूछना चाहूँगा, जो आपका प्रोग्राम था 28 तारीख को मुंबई में, तो वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ है कुछ हमने सुना है, तो आखिर क्या रीज़न है? कल मुझे एक मेल भेजा था SP साहब ने, वहाँ से जो मेरा दोस्त है उन्होंने, कि वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई दूसरे कोई समाज का वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, तो सब पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे एंगेज रहेंगे, और ये प्रोग्राम ही पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरा महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट का होता है आदिवासी समाज के लिए खास करके, तो सब बंदोबस्त में वहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ प्रोग्राम कौन करेगा, तो इसके वजह से वो कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। वो 11 फरवरी को वो प्रोग्राम रखा गया है, और वो हम जानकारी भी दे देंगे सबको। तो सर आप जाने वाले मुंबई में? हो सकता है, अभी तो हमें बहुत दिन बाकी है, उसमें कभी कहाँ निकलना पड़ता है पता नहीं, लेकिन जरूर हम फ्री रहेंगे तो हम सब जाएंगे साथ में, हमारे समाज के लिए नहीं जाएंगे तो किसके किसके लिए जाएंगे। सर आप बहुत बिजी हैं फिर भी हमें आज क्यों बुलाया? दिनेश भाई एक बात ऐसी है, हमारा दोस्ती ही मेरा खास दोस्त है सुपर जंकर का नाम सतीश भाई, वो हमारे एक वीडियो पे नाराज हो गए थे, वो मेरे फोन पे बात हुई थी कल, और राज भाई से भी कॉन्फर्मेशन कॉल पे बात हुई थी, वो नाराज थे कि हमने एक वीडियो उनके ही वीडियो पे जो bandparty.in का मीटिंग था उसमें एक वीडियो पे उनका टक्कर वाली बात, लास्ट की बात है, वो एंजॉयमेंट वाली भी बात है और टक्कर वाली बात आई, तो मैं नाम से उनका वीडियो मैंने नाम ले लिया था कि सतीश भाई यार, मैं बार बार बोलने के बाद में भी सतीश भाई यार क्या वो टक्कर टक्कर करके, हम बैंड वाले ही टक्कर की बात करेंगे, बैंड का ऑनर ही टक्कर की बात करेंगे, तो वो जो प्रोग्राम देने वाले हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और वो चाहे गलत इंफॉर्मेशन जाएगी उसके वजह से हमने वीडियो बनाया था, वो मत करो, मैं सतीश भाई के नाम से बनाया था, तो उसमें वो मेरे दोस्त नाराज हो गए, तो मैंने मेरे दोस्त को खुश करने के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी बुलाया, मेरे को कहीं जाना है अशोक भाई के साथ में, इमरजेंसी है, तो उसमें मैंने वीडियो मैं उसके लिए आपको बुलाया, और माफी चाहता है कि मैं मेरे वजह से मेरे सतीश भाई नाराज हो जाए या कोई बहन वाला नाराज हो जाए, तो माफ करना सतीश भाई कि हमने आपके नाम से वीडियो बनाया था, और आप भी कभी है ना वो बात मत लेके आओ, मन में रखो, आप टक्कर लो कुछ भी करो, हमारा लेना देना किसी बैंड वाले से मेरा नहीं है, आप कुछ भी करो मन में रखो, आप शेयर मत करो वीडियो में जाके, फिर अपन को है ना हम दोनों को भी देखेंगे लोग वही नजर से देखेंगे, यार अजीत भाई भी वही है सतीश भाई भी वही है, क्या क्या मतलब रहेगा उसमें, तो हम चाहते हैं किसी बैंड इंडस्ट्री में ऐसा कुछ वाक्य नहीं बन जाए जिस दिन है ना खून खराबा हो जाए और हमारे बैंड लाइन है ना एकदम डिस्पोज हो जाए, वो हम नहीं चाहते हैं, और हम चाहते भी नहीं और चाहने भी नहीं देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तो हम करते ही नहीं है 99%, आप भी ने भी देखा होगा अभी तक मेरे पास बहुत सारे वीडियो आए हैं, हम होने नहीं देते हैं वैसा, कोशिश करते हैं कि वो दूर दूर बैंड लाके है ना दोनों तरफ से बजाओ और एंजॉयमेंट कराओ, और तात्पुरता आप वो करो आपके हिसाब से, फिर दूसरी बात में भी वो नाराज थे कि लूप्स के बारे में भी मेरे को बताया, तो मैंने उनको बताया कि हम पूरे नाइट आप तिमली बजाते हैं, रोडाली बजाते हैं, गायन सॉन्ग बजाते हैं, गरबा बजाते हैं, लुप्त बजाता नहीं, लुप्त गाना नहीं है, सॉन्ग नहीं है, तो वो बोले उस पर भी नाराज हो गए थे, तो मैंने उनको बोल दिया सतीश भाई कल से आप भी कभी ना लुप्स नहीं बजाएंगे, मेरे बैंड में भी लुप्स नहीं बजाने का है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, मेरी बात सुन लिया कि अजी सर आप भूलेंगे वैसा करेंगे, हम लुप्स बजाएंगे नहीं आपके, हम आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी वो सामने से हमको बोला, और रही बात कि ये बात हमको मजबूरी से क्यों बोलना पड़ता है कि मत करो मत करो झगड़ा मत करो, बार बार हम वीडियो में आके मेरा जब से बैंड मैंने ओपन किया है तब से मैं बार बार बोलता हूँ, हम मैं मेरा अकेले के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सब मेरे ऑनर को ऑनर लोगों आज प्रेम से सुन लो मेरे मेरी बात, और सही तरह से सुन लो, हम गलत भी नहीं बोलेंगे,
जब रॉकी के सामने, रॉकी की बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, रॉकी के ऊपर हमला हुआ था, कोई बैन वाला सामने नहीं आया था, रॉकी भाई हम मदद करेंगे, पिंटू भाई हम आ रहे हैं आपके साथ में हैं, आप FIR करो, उनको ढूंढो, कुछ नहीं, सब लोगों के जिसकी उसकी पड़ी है हमने देख लिया है, फिर भी रॉकी भाई को मैंने बोला कि पिंटू भाई हम FIR करेंगे, तो वो ऑफिसर बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीनियर ऑफिसर बोल रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट के, कि अगर आप लोग है ना FIR करेंगे और उसको हम पकड़ के लाएंगे, ये पकड़ के लाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, तो ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ये बैन लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा, हमको सीधा सीधा बोल दिया ऑफिसर ने। हमने सोचा, मैंने भी बात किया रॉकी भाई से, पिंटू भाई से बात किया, हमने दोनों ने डिस्कस किया कि यार हम तो है ना आपका भी बैंड उधर उधर चल जाएगा, लेकिन जिसने कर्जा लेके बैंड बनाया है, जिसने बैंड बैंक से पैसा उठाया, फाइनेंस से पैसा उठा के उन्होंने कर्जा लेके जो बैंड वाले हैं उन्होंने पैसा बांटा है जो आर्टिस्ट लोगों को, उसका क्या होगा? तो ये FIR छोड़ दो, जो हुआ से हुआ, बाद में देख लेंगे अपन और सब मिलजुल के बजाएंगे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में हम ही नहीं है, बहुत सारे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बैंड भी है हमारे भाइयों के। तो वो बैंड का मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा अलग से महसूस हुआ, मैं FIR करने नहीं दिया। जब FIR करते तो पता चलता वो कौन था क्या था, हमको तो पता है किसने करवाया था, सब पता चल जाता, लेकिन हमने वो किया नहीं। हमको, हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी का नुकसान हो जाए, हमारा बैंडर चले नहीं चले उससे मेरा मतलब नहीं है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं उससे। आप सिर्फ खुद का मत सोचो, सबका सोचो। मेरे पास लिस्ट आया है 260 बैंड का, 260 का 260 बैंड पार्टी का लिस्ट आया है टोटल, बहुत बड़ी बात है। तो उस पर असर पड़ेगा, सबको असर पड़ेगा, मेरे भी बैंड है चार, मुझे भी असर पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मत करो, और वीडियो में मत बोलो टक्कर वाली बात, या हमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया है, उन लोगों का वीडियो आया था उस पर ही हमने वीडियो बनाया है, तो आप गलत मत समझो। मेरे सतीश भाई को भी मेरे तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, और सभी बैंड वाले मेरे ऑनर है उनको भी मैं प्रेम से बोलता हूँ कि मिलजुल के रहो सब, और मेरी बात किसी को खराब लगती है तो सॉरी माफ करना, और मैं आगे भी ऐसे वीडियो हम सिर्फ हमारे बैंड के बारे में डालेंगे, नहीं किसी बैंड वाले का ये टक्कर ले या कुछ भी करो, हमारा लेना देना उसमें है नहीं। फिलीप भाई, राज भाई, अपना बैंड का बताओ, बंद हो जाएगा तो सबका बंद हो जाएगा, अभी हमारा माइंड से निकल गया है, और हम पागलों जैसे यहाँ से है ना शुभराज से वीडियो बना के डालते हैं, और लोग मेरे को क्या बोलते हैं, एक ने कमेंट मेरे को बताया कि ये बंदा आया है अजीत सर, जब से आया है तब है ना मार्केट में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे हम कुछ नहीं करते रहते, हम आप लोगों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम किस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम भी नहीं चाहते हमारे वजह से कोई बैंड पार्टी का ऑनर नाराज हो जाए या कोई मेरे आर्टिस्ट लोग नाराज हो जाए। जिस दिन वाक्य बन जाएगा, लास्ट टॉपिक बोलता हूँ, जिस दिन ये खून खराब हो जाएगा, जिस दिन मर जाएगा कोई टक्कर के चक्कर में, जिस दिन सिर्फ जो बैंड पार्टी बुलाता है वो जेल में जाएगा, और मेरी बैंड है मैं भी जाऊँगा, और सतीश भाई की बैंड है तो सतीश भाई भी जाएंगे, हम तीनों ही है ना कोर्ट का और जेल का चक्कर काटेंगे, सब लोग तो बिल में घुस जाएंगे टक्कर करके, उसका बैंड ये है ना चुप जाएंगे। हमको साक्षी लाने के लिए, जामीन लाने के लिए पैसा देके लाना पड़ेगा, एक भी वहां पे हजारों लोग रहते हैं ना, कोई साक्षी के लिए भी नहीं आएंगे, और जमीन वो देने के लिए भी वह कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे। ये याद रखने का, मैं चेतावनी नहीं दे रहा है मेरे बैंड ओनरों को, हमको समझना है, पब्लिक होती है, हमको, हम बैंड वाले हैं, बैंड वाले को समझना चाहिए, हमको कुछ किसी को दिल दुखावा करना मेरा काम नहीं है। और वही विनती है सबको, जय आदिवासी, जय जोहर, और मेरी बात को ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों, सभी बैंड पार्टी के ओनरों को जय आदिवासी, जय जोहर, जय जोहर। सब अपने अपने आपस में झगड़ा मत कीजिए, सब एकदम जैसा चालू है वैसे चलने दीजिए, कुछ फायदा नहीं है टक्कर में, एक आध दिन सब बंद करके बैठ जाएंगे हम तो है ना, हमारी गाड़ी
हमारे सबको काम धंधे पे लग जाना पड़ेगा। और जो आज कारीगर भी तीन तीन चार चार हजार के लिए 4,000 रुपए मांग रहे हैं, वो भी है ना बैग लेके कंपनी में जाने, गुजरात कंपनी में जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। कारीगरों को भी मैं बोलता हूँ, कारीगर निचले जो खास करके कारीगर है हमारे, टिंगरी वाले जो लोग है, वो बच्चे है, हम सब समझ जाते है। ऐसे नहीं फिलिप भाई, कोई बैंड वाला उनको ये करने के लिए नहीं बोलता ओनर, ये लोग है ना, मुझे भी मैं भी बोल के भेजता हूँ तो भी ये लोग है ना कभी क्या करते। मैं खुद का मेरा जो बैंड में जो काम करते हैं, ये बच्चों को भी डांटता हूँ मैं और सबको बोलता हूँ। तो सभी कारीगर को भी मेरा मेरे तरफ से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा गलत काम मत करो कि ज्यादा ही बड़ा कुछ वाक्य बन जाए या कुछ मामला बन जाए। छोटे छोटे बैंड वालों को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, सब बड़े बैंड वालों का दिक्कत है, सब वही टक्कर ले रहे हैं। कम से कम 10 बैंड है टक्कर लेने के। हमारा नाम मत लो, हम कुछ ही नहीं, 250 बैंड तो ऐसे जैसे सिर्फ मेरे जैसे छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटे बैंड वाले का कुछ लेना देना नहीं है, बस और सामने से आएगा उसको, लेकिन उसका कुछ हुआ तो छोटे बैंड वाले भी बेचारे बंद हो जाएंगे, उसके लिए भी कुछ सोचो तुम। हम वही वही चाहते हैं कि किसी का नुकसान नहीं है, वही चाहते हैं किसी का